या तो किसान आंदोलन को दे दो या गरीबों को दे दो। ये हम इसको बच्चों की तरह पालते हैं। तो हमारे देश में पहले ही अन्न की कमी है, 33% लोग बिलो पावर्टी लाइन है, उनको दो टाइम की रोटी मुहैया नहीं मिलती। अगर हम सभी ऐसे करने लगे तो हमारा देश पहले ही भूखमरी का शिकार है। नहीं करना, ये जो इसके मेरे से वादा करो, ये जो आपका अनाज होगा ये आप गरीबों में दो, फ्री में दो, दोगे आप गुरुद्वारे में दे दो या गरीबों को दे दो, गरीबों को दे दो तो और भी अच्छा है। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको, आप इसको प्लीज इस फसलों को मत उजाड़ो। किसान नेताओं के एक ऐलान पर किसान क्या कुछ कर सकते हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए। अपनी फसलों को बच्चों की तरह पालने वाले कई किसान इन दिनों भावुक होकर खेतों में लहलहा रही फसलों पर ट्रैक्टर चलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। जी हाँ, जींद, करनाल और रोहतक के बाद अब अम्बाला से भी फसलों को नष्ट करने का मामला सामने आ गया है। यहाँ गुरप्रीत सिंह नाम का युवा किसान आज दिन निकलते ही ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों में पहुँच गया और देखते ही देखते किसान ने फसलों पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बारे में जैसे ही किसान नेताओं को भनक लगी, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए और हाथ जोड़कर युवा किसान को ऐसा ना करने की सलाह दी और कहा कि फसल को बर्बाद करने से अच्छा रहेगा कि किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर दो, या तो किसान आंदोलन को दे दो या गरीबों को दे दो। ये हम इसको बच्चों की तरह पालते हैं। तो हमारे देश में पहले ही अन्न की कमी है, 33% लोग बिलो पावर्टी लाइन है, उनको दो टाइम की रोटी मुहैया नहीं मिलती। अगर हम सभी ऐसे करने लगे तो हमारा देश पहले ही भूखमरी का शिकार है। ऐसा ना हो देश में अनाज का अकाल पड़ जाए, तो मेरा बेटा बनकर, अच्छा किसान बनकर, ये ऐसा काम मत करो। दरअसल बीते दिनों हिसार में आयोजित एक महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी थी कि कटाई के सीजन में ये आंदोलन कमजोर नहीं होगा और जरूरत पड़ी तो किसान अपनी एक फसल को आग भी लगा देगा। टिकैत के इसी बयान से भावुक होकर हरियाणा के कई जिलों में कई किसानों ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। हालांकि ऐसे मामले सामने आने के बाद टिकैत समेत सभी किसान नेताओं ने किसानों से ऐसा न करने की अपील की और आज अम्बाला में भी भाकियू नेता गुलाब सिंह ने फसल नष्ट कर रहे युवा किसान से ये अपील की है कि फसल नष्ट ना करके गरीबों को दान दे दे। था अपना किस तरह रोका, क्या समझाया जा रहा है? अभी मुझे प्रेस वालों का फोन आया था, ये गुरप्रीत नाम का लड़का, ये अपने खेत साथ एक एकड़ जमीन है इसकी, यहाँ पे ये एक सिरे से बहाने शुरू किया था, तो मुझे पता लगा, मैं भागा यहाँ आया अपनी गाड़ी लेकर, तो एक दो और अपने मित्रों को साथ लेकर आया और इसको मना किया भी ऐसा नहीं करना। डकैत ने जो बात कही थी अब उसने उसको बंद कर दिया है, भी ऐसा नहीं करना, ये जो हमारी खेती बाड़ी है, हमें बच्चों की तरह पालते हैं, भी इसको नष्ट नहीं करना है। हमारे देश में पहले ही भूखमरी है, हमारे 33% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको दो टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मुहैया होती है। अगर हम सभी ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो हमारा देश भूखा मर जाएगा। हमने तो देश का पेट पालना है, अपना भी पालना है, हमें ऐसा काम नहीं करना। मैंने इस बेटे को समझाया और इसने मेरी बात मान ली और मैं और सभी किसानों को एक संदेश देना चाहता हूँ भी ऐसा गलत काम ना करें, भी अपनी ये फसल है जो अपने बच्चों की तरह हम पालते हैं, इसको नष्ट ना करें। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो नष्ट ना करके इसको गरीबों में दान कर दें, वो और भी बेहतर होगा। उधर खेतों में फसल नष्ट कर रहे युवा किसान गुरप्रीत सिंह से बात की गई, तो उसने बताया कि फसल को वो मंडी में नहीं ले जा सकते क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है और सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही। किसान ने ये भी कहा कि सरकार कितनी भी तानाशाही दिखाए, ना तो किसान धरने से उठेंगे और ना ही कानून रद्द होने तक किसानों की घर वापसी होगी। ये विकास साहब ने कहा था हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे, पर फसल को हम आग नहीं लगा सकते कि क्योंकि ये हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं इसको, तो इसलिए हमने इसको बाना बेटर समझा, क्योंकि इसको हम मंडी में तो लेके नहीं जाएंगे, क्यों सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। जब तक ये तीन काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा जो बॉर्डरों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे प्रेस चल रहा है वो चल रहा है। अभी मैं 22 तारीख को वहाँ से आया हूँ, दिल्ली से, मेरी ट्रैली वहीं पे खड़ी है। अब गुलाब सिंह जी ने समझाया आपको, रोका उन्होंने? हाँ, गुलाब सिंह जी कह रहे हैं, प्रधान जी आए हैं चुड़ुनी ग्रुप के, तो इन्होंने कह रहे हैं भी इसको आप बहुमत भी इसको हम किसी गुरुद्वारे को, संस्था को, गरीबों को दान कर देते हैं। मेरा ब्रदर है छोटा, APS का पेपर इसने अभी
दिया है, मैं खेती करता हूँ, हम पे 7 किले ज़मीन के हैं, तो इसलिए हमारी मांगे, हम 3 महीने से वहाँ पे बैठे हैं, तो वो हमारी मांगे नहीं सरकार सुन रही है, इसलिए हमने अपने अभी आधे किले पे ही चलाया था, तभी प्रधान साहब जी आ गए हैं, तो इसलिए हमने अब रुक गए हैं। गौरतलब है कि किसान और फसल के बीच एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। ऐसे में जब किसान बच्चों की तरह पाली गई अपनी खड़ी फसल को नष्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है तो इसके मायने समझना कोई मुश्किल बात नहीं। बता दें कि पिछले 3 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन 12 दौर की बातचीत होने के बाद भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में किसान आंदोलन को तेज कर रहे हैं और सरकार भी कानूनों को लागू करने की जिद पर अड़ी हुई है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।